बहुत पुराने समय की बात, एक गांव में किसान रहा करता था। वे किसान बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खेती किया करता था, समय पर खाद और पानी देता, खेती के लिए वे बड़ी मेहनत किया करता था। पर हर बार कुछ न कुछ कारण से किसान की खेती खराब होती जा रही थी। कभी बाढ़ की वजह से, तो कभी सूखा पड़ जाने की वजह से, तो कभी ज्यादा धूप तेज हो जाने की वजह से, इस तरह किसी न किसी कारण से उसकी खेती खराब होती जा रही थी। वे बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन बहुत परेशान होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल के लिए मुझे मौका दीजिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर देखना आप मैं कैसे अन्न के भंडार कर दूंगा। किसान की पूरी बात सुनकर परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम होगा और मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। दोस्तों फिर क्या था, किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब धूप चाहिए थी तब धूप मिली, जब पानी चाहिए था तब पानी मिला। किसान ने तेज धूप और ओले बाढ़ आदि तो आने ही नहीं दिए और समय बीतता गया। कुछ समय बाद किसान की फसल बड़ी हो गई और ये देखकर किसान बड़ा खुश होने लगा और कहने लगा कि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई। फिर किसान मन ही मन सोचने लगा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल को कैसे करते हैं, और कहने लगा कि बेकार ही हम किसानों को इतने सालों से परेशान करते रहे हैं। पर जब किसान की फसल काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। और फिर बड़े परेशान होकर किसान ने परमात्मा से कहा, तभी परमात्मा बोले कि ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया और उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है और वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है तो वे पौधे को शक्ति देता है, उसकी जीवट और उसकी जीवटता को उभारता है। जिस प्रकार सोने को सुंदर बनाने के लिए उसे आग में तपाने के बाद हथौड़े से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी सुंदरता उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता है। ये चुनौतियां ही है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, और अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। और जिंदगी में कामयाब बनना है तो प्रतिभाशाली और संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये सब बात सुनने के बाद किसान परमात्मा से माफी मांगने लगा।